ओके फ्रेंड्स, एग्जाम रेस टू में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटिक्स, जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के तहत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। चलते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ए विवल प्लान, बी क्रिप्स मिशन, सी अगस्त ऑफर, डी कैबिनेट मिशन। आपको नंबर लेना है तो आंसर करना पड़ेगा, जल्दी करिए। इसका आंसर होगा डी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था और वह प्रस्ताव दिया था कि संविधान सभा बनाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? ए 296, बी 313, सी 318, डी 316। जल्दी करिए, नंबर आपको मिलेगा यदि अपना आंसर करेंगे। इसका आंसर होगा ए 296। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ए यूएसए, बी यूके, सी पाकिस्तान, डी भारत। जल्दी करिए, नंबर आपको लेना है तो उत्तर आपको देना पड़ेगा। इसका आंसर होगा बी यूके। जी हाँ दोस्तों, यूके का संविधान अलिखित संविधान है और यूएसए का लिखित और भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? ए 1909 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम, डी 1947 का अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको नंबर लेना है तो आंसर करिए, आंसर करेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा और आपके सिलेक्शन को पक्का करेगा आरआरबी एनटीपीसी में। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आंसर करिए, जल्दी करिए। इसका आंसर होगा बी 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? ए प्रस्तावना, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 1। जल्दी करिए, आंसर आपको करना पड़ेगा। इसका आंसर होगा ए प्रस्तावना। जी हाँ दोस्तों, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना इट मींस प्रीएम्बल के अंतर्गत देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? ए एक संप्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, बी एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, सी एक संप्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, डी एक गणराज्य। जल्दी करिए, आपको आंसर, आपको नंबर।
इसका आंसर होगा सी, एक संप्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? ए स्वतंत्रता, बी समता, सी समाजवादी, डी न्याय। जल्दी करिए, आंसर करेंगे नंबर मिलेगा तभी आपका सिलेक्शन आरआरबी एनटीपीसी में होगा। जल्दी करिए, इसका आंसर होगा सी समाजवादी। जी हाँ दोस्तों, संविधान बनाते समय समाजवादी को आदर्श में प्रस्तावना में नहीं रखा गया था, इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? ए 3 बार, बी 2 बार, सी 1 बार, डी संशोधन नहीं किया गया। जल्दी करिए, यदि आप आंसर देंगे तो आपको नंबर मिलेगा, और आपको नंबर मिलेगा तो आरआरबी एनटीपीसी में आपका सिलेक्शन होगा। तो सोच समझ कर आंसर करिए, इसका आंसर होगा सी 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है ए न्याय का, बी भ्रातृत्व का, सी प्रतिष्ठा की समानता का, डी वयस्क मताधिकार का। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर तो आप जरूर ही करेंगे और जल्दी करेंगे। इसका आंसर होगा वयस्क मताधिकार का। जी हां दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? ए प्रस्तावना, बी भाग 3, सी अनुच्छेद 368, डी संविधान में कहीं नहीं। जी हां दोस्तों, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां हुआ है आपको बताना है, जल्दी करिए। यदि आप आंसर करेंगे नंबर आपको मिलेगा, अन्यथा दूसरा कोई आंसर करके नंबर ले जाएगा। जल्दी करिए, इसका आंसर होगा संविधान में कहीं नहीं। हाँ दोस्तों, संघीय शब्द का प्रयोग अपने संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, आपको हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, बेल आइकन पर बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।